You're a liar. दोस्तों तो आज हम खड़े हुए हैं किया सोनेट के सामने और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन व्हील। फ्रंट में इसमें क्या कुछ मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट में सबसे पहले आपको मिलती है किया की ब्रांडिंग, ठीक है, जो कि काफ़ी फिनिशिंग के साथ दे रखी है। बड़ी सी ग्रिल का साइज़ थोड़ा छोटा रहने वाला है इसमें। और यहाँ पर नीचे आपको फॉग लैंप मिलेगा, आपको हैलोजन में जो भी लाइटिंग सेटअप है सारा हैलोजन का मिलने वाला है। नीचे आपको प्रोजेक्टर मिलता है जो कि फॉग लैंप रहने वाला है। यहाँ पे आपको एक टॉयलेट मिलता है, ठीक है, और यहाँ से भी ग्रिल ओपन है आपके रेडिएटर के लिए। तो ग्रिल का डिज़ाइन जो है ना वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे इन्होंने पूरे का पूरा सिल्वर टच फिनिश में दे रखा है, क्रोम फिनिश में, ठीक है। फ्रंट से देखने से काफ़ी मतलब जो बोलते हैं ना कि स्पाइसी नोट यानी कि थोड़ा सा स्पोर्टी लुक वो कम्प्लीट इसमें आ रही है। और चलिए चलते साइड में, साइड की बात कर ले तो इसमें मिलते हैं आपको अपोलो के टायर साइज जो रहने वाला है इसमें है 215/60R16 215/60/16 इंची के टायर है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, यहाँ पे आपको अलॉय व्हील जैसे दिखने वाले व्हील कैप मिलने वाले हैं। ये अलॉय व्हील नहीं है लेकिन लग रहे हैं जैसे कि ये अलॉय व्हील हो, यह है व्हील कैप, ठीक है। फ्रंट में अगर बात करें इसकी लेंथ की, डायमेंशन की, तो वो सारी की सारी आपको स्क्रीन पे पॉप आउट हो रही होगी। ये सारी इसकी डायमेंशन रहने वाली है। 100 mm का व्हील बेस है इसमें और 1192 kg का ओवरऑल गाड़ी में वेट मिलने वाला है आपको। यहाँ पे इसके फोल्डेबल मिरर मिलते हैं, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। बॉडी कलर आपको हैंडल मिल जाते हैं, डोर हैंडल्स, ठीक है। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिलती है यहाँ पे, डू नॉट लोड। और यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। ऊपर अगर रूफ़ की बात करें तो रूफ बिल्कुल क्लियर है, सनरूफ अवेलेबल नहीं है। पीछे की जो लुक मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल ही अपराइट और स्पोर्टी लुक है। यहाँ पे किया अरावली की ब्रांडिंग डिफो अगर आपको मिलते हैं इस मॉडल में, 1.2 HT K+ मॉडल है ये, ठीक है। मिड वेरियंट आप इसको बोल सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें मोस्टली मिल जाती है, वैल्यू फॉर मनी जिसको बोला जाता है। यहाँ पे सोनेट की ब्रांडिंग आपको मिलेगी, किया का लोगो, ठीक है। और बूट स्पेस की बात करें तो 392 L का इसमें बूट स्पेस यहाँ पे मिलता है, जो कि काफ़ी यूनिक यानी कि अच्छा रहने वाला है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ से बूट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको की दिखा दूँ, कुछ इस तरीके की इसमें मिलती है, लॉक अनलॉक और बूट होल्ड। तो मैं अनलॉक इस करता हूँ इस गाड़ी को, जैसे मैं अनलॉक करता हूँ तो यहाँ से बूट को ओपन करते हैं, 392 L का बूट स्पेस ये मिलेगा। स्पेस के मामले में नो डाउट काफ़ी बड़ा रहने वाला है। और यहाँ पे फर्स्ट एड एसेसरीज किट भी आपको मिलती है, यहाँ पे इसके स्पेयर व्हील टायर आपको मिलेगा और बाकी टूल किट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। एक पार्शल ट्री भी आपको मिलती है जो कि काफ़ी क्वालिटी में हैवी रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इस गाड़ी के अंदर की साइड और अंदर क्या कुछ मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इसका डोर ओपन करते हैं तो डोर काफ़ी वाइड ओपन होता है और डोर पे जो भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे मिरर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मिरर को लॉक करने के लिए, ये विंडशील्ड को लॉक करने के लिए विंडशील्ड के कंट्रोल, यहाँ पे मिरर के कंट्रोल, ठीक है। लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ से अपने मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये लीवर एक मिलता है आपको डोर ओपन करने के लिए। यहाँ पे कीज़ वगैरह, फ़ोन रख सकते हो, नीचे एक बोतल रख सकते हो, कुछ पेपर वगैरह रख सकते हो। गाड़ी में एंटर होने के लिए कुछ इस तरीके का आपको लुक मिलता है। और अगर बात करें सीट की तो सीट आपको मिलती है, हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है जो कि मैनुअल है। रिक्लाइन करने के लिए भी आपको लीवर मिलता है जो भी मैनुअल है, ठीक है। और चलिए चलते हैं अंदर। चलिए आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर आया हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है इंजन स्टार्ट करने के लिए आपको बटन,
नहीं मिलता है इस मॉडल में, ठीक है। और क्या क्या इसके इंस्ट्रूमेंट में और फंक्शन मिलेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले की को लेते हैं और इंसर्ट करते हैं और देखते हैं इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये देखिए सिस्टम चेक, ठीक है, लो फ्यूल की वार्निंग आ गई। और यहाँ पे आपके मीटर में इसको मिलेगा आर स्पीडो, यहाँ पे मिलेगा आपका टैकोमीटर, यहाँ पे फ्यूल मीटर, यहाँ पे इसका कूलेंट टेम्परेचर कितना है गाड़ी का, यहाँ पे बीच में आपको मिलता है स्पीडोमीटर जो कि फुल्ली डिजिटली रहने वाला है। यहाँ पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है हेडलाइट के कंट्रोल्स और लाइटिंग के कंट्रोल। यहाँ पे आप ऑटो ऑन ऑफ का स्विच आपको मिलता है, जैसे इसका फंक्शन ये है कि जैसे ही आप इसको खड़ी करोगे न्यूट्रल करके तो इंजन ऑन ऑफ हो जाता है, वो सिस्टम जो आजकल आ रहा है। यहाँ पे लाइटिंग को लेवल को मैच कर सकते हैं आप। और अब बात करें कि डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, इन द सेंस काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे मैनुअली स्विच दिए हुए हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। यहाँ से इसका ऑल मेनू, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ड्रिवन अन, बहुत सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे, मीडिया मिल जाएगा, रेडियो मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ से रेडियो म्यूजिक ऑफ कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, ऑटो एंड्रॉइड कार प्ले आप चेंज कंट्रोल कर सकते हैं, क्लाइमेट को आप देख सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले को आप मेंटेन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली है। चलिए यहाँ पे हज़ार लैंप का स्विच आपको मिलता है। एसी मैंने ऑन ऑफ़ किया हुआ है, जैसे बंद कर दिया मैंने, ये भी बंद कर दिया पूरा। यहाँ पे डिफॉगर के मिलते हैं। और यहाँ पे बात कर लें तो चार्जिंग पोर्ट आपको एक मिल जाता है, यूएसबी केबल मिल जाती है फ़ोन चार्ज करने के लिए। यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स आपको मिलता है। यहाँ पे हैंड ब्रेक्स आपको मिलते हैं और एक आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। तो मेन जो सारी चीज़ें होनी चाहिए गाड़ी में वो सब कुछ इसमें मिल जाती है। यहाँ पे ORVM मिलता है जो ऑटो डे मिरर मिलता है, मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है, इस साइड में वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। इधर आपको लाइटिंग के लिए बटन्स मिलते हैं जो कि मैनुअली इसमें हैलोजन लैंप रहने वाले, LED होते तो और ज़्यादा प्रीमियम लगती। चलिए ये बिल्कुल हार्ड टच में रहने वाला है। और इधर बात करें तो ग्लव बॉक्स इसमें मिल जाएगा, ठीक है। उधर भी आपके साइड में विंडो को ऑपरेट कर सकते हैं। सीट फैब्रिक की रहने वाली है, सीट काफ़ी अच्छी है, क्वेश्चनेबल है। और यहाँ से बैठने के बाद जो कमांड आती है ना वो बिल्कुल क्लियर आती है। एक SUV, मिनी SUV पैटर्न पे इस गाड़ी को डिज़ाइन किया और मिनी SUV वाला फील ही आपको देती भी है। चलिए चलते हैं रियर में। जैसे ही मैं रियर गेट की तरफ चलता हूँ, जब रियर डोर ओपन करता है तो ये भी सेम उतनी ही विड्थ में, चौड़ाई में ओपन होता है। यहाँ भी आपको एक बोतल होल्डर मिलता है, आपके विंडो मिरर को डाउन करने के लिए बटन मिलता है, ठीक है। आगे की सीट जितनी पीछे हो सकती थी ना मैंने उतनी पीछे कर रखी है, उसके बाद मैं आराम से बैठा हूँ। थोड़े से मेरे पैर अड रहे, वो मैंने बहुत ज़्यादा पीछे कर दिए, ठीक है। यहाँ पर बात कर ले तो आपको मिलता है AC के अलग से आपको विंड्स मिल जाते हैं, लेकिन आप इनको ऑपरेट नहीं कर सकते, स्पीड को वो आगे से ही होंगी। यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, यहाँ पे एक स्पेस मिलता है फ़ोन वगैरह रखने के लिए, ठीक है। पीछे की सीट में आराम से 3 बंदे बैठ सकते हैं, हम्प नॉर्मल है, ज़्यादा हम्प नहीं है इसमें। और इधर आपको मिलती है पार्सल ट्रे, यहाँ पे एक लाइट और मिल जाती है, ठीक है। तो ये थी कुछ सीटिंग कैपेसिटी। बूट स्पेस मैंने आपको बता दिया है 392 लीटर का। चलिए अब चलते हैं इंजन की तरफ। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, 1197 cc का, ठीक है, जो कि माइलेज क्लेम करती है कंपनी, 18 से 20 की माइलेज क्लेम इसमें करती है। इसमें आपको मिलता है, इसमें आपको पावर मिलती है 81 BHP की और 115 Nm का टॉर्क इसमें आपको मिलता है। बस ये एक चीज़ है, ये हाफ कवर है और हाफ ये इंजन ओपन है नीचे से। फुल्ली कवर्ड होता तो नीचे से कुछ भी अंदर जाने की आपको रिस्क नहीं होती। चलिए पावर मैंने इसकी बता दी, 81 BHP और 115 Nm टॉर्क के साथ 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर 4 वोल, और ये आपको निकाल के देता है 18 से 20 KMPL की माइलेज, जो कि काफ़ी ठीक है यार पेट्रोल में।
अगर आप रफली ड्राइव भी करोगे तो 15 तो इजीली गाड़ी निकाल के देगी। और बिल्ड क्वालिटी ठीक है, किया की इतनी बेकार नहीं है, क्योंकि लोग बाग इससे भी बेकार गाड़ियाँ खरीद ही रहे हैं। ठीक है, चलिए बनते हैं साइड में। अब बात कर लें अगर इस गाड़ी के फ्यूल टैंक के बारे में, तो फ्यूल कैपेसिटी इसमें मिलती है 45 लीटर के पेट्रोल टैंक इस गाड़ी में आपको मिलता है, जो कि 18 की एवरेज ये निकाल के देता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल इस गाड़ी का व्यू, वो करम डिटेल रिव्यू। तो गाड़ी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको बता दूँ इस गाड़ी के प्राइस क्या हैं। तो इस गाड़ी के जो प्राइस रहने वाले हैं वो है 9.5 लाख रुपये एक्स शोरूम प्राइस है, और अगर सिटी में बात करें तो ये 11.5 लाख रुपये की ऑन रोड पड़ जाती है। बाकी डिपेंड करता है आप किस स्टेट से इसको परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी हम फिलहाल खड़े हैं अरावली किया पे, तो जिस भी भाई को ये गाड़ी चाहिए या किया की कोई भी कार चाहिए, तो अपने भिवाड़ी में अरावली किया का स्टोर खुल चुका है, मेन रोड पे, अलवर भिवाड़ी वाले रोड पे, ये पड़ता है आपके टूल टैक्स के पास में। तो आप इधर आके डील ग्रैब कर सकते हैं, गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल आपको शो हो रही होगी, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।